हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़पारा की रेसिपी। सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं कुछ ना कुछ गुड़ की रेसिपी बननी स्टार्ट हो जाती है, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम मार्केट स्टाइल में खास्ता और बहुत ही टेस्टी गुड़पारा। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्टी रेसिपी को। तो गुड़पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कप मैदा। मेज़रमेंट में ये 200 ग्राम मैदा है, तो इसे एक बाउल में ले लिया मैंने। और अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने। साथ ही 2 पिंच के बराबर हम लोग डालेंगे बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से कम मात्रा में डालें और अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। और अब इसमें जाएगा मोइन। तो यहाँ पर लिया है मैंने 1/4 कप घी। जितना मैंने मैदा लिया है उसके 1/4 भाग घी लिया है, तो इसे डाल देंगे। और साथ में जितना घी लिया था उतना ही पानी ही लिया है मैंने, यानी कि 1/4 कप पानी भी लिया है मैंने, और साथ में पानी को भी डाल दिया है मैंने। हलवाई लोग इसी तरह से बनाते हैं ताकि अच्छे से मोइन और पानी एक बराबर मिक्स हो पाए आटे में हर जगह, और फिर वापस पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक साथ दोनों चीज़ों को डाल दिया मैंने और अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये देखिए डो बन गया हमारा, मतलब पानी ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये एकदम परफेक्ट है। तो अब इस डो को हम लोग अच्छे से मसल के एकदम स्मूथ कर लेंगे। ध्यान रहे डो हमारा सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हार्ड भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मीडियम सॉफ्ट डो हमारा होना चाहिए। और इसे अच्छे से मसल के हम लोग एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अच्छे से आटे को गूँध लिया है और ये एकदम चिकना हो गया है। तो अब हम लोग इसे ढक के 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये आटा हमारा एकदम सेट हो गया है और फूल भी गया अच्छे से, क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था। और ये देखिए फिंगर की मदद से ऐसे ये आराम से स्ट्रेच हो रहा है एकदम। आप चाहे तो हथेलियों से भी इसे फैला सकते हैं इस तरह से। तो मैं पहले ऐसे फैला देती हूँ आटे को अच्छे से, और उसके बाद इसे चिकना करने के लिए इसके ऊपर बेलन हम लोग चला लेंगे। और हमें पतला बेल लेना है, मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो इस तरह से दिखाती हूँ मैं आपको, 1 इंच मोटा हमारा जो है वो आटा रहना चाहिए, ये पूरी जो हम लोग बेल रहे हैं, क्योंकि ऑयल में जाकर भी ये अपने डबल हो जाता है। तो देखिए इतना रखना है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और अच्छे से बेल लिया मैंने। तो अब इसे हम लोग कट करेंगे। तो नाइफ़ की मदद से हम लोग जैसा शेप देना है वैसा कट कर लेंगे, बड़ा छोटा स्क्वायर जैसा आपको काटना है। तो इस तरह से मैं काट रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिया और कॉर्नर्स को हटा देती हूँ, फिर वापस से बेलूँगी। और इस तरह से छोटे छोटे शेप में मैं कट कर लेती हूँ इसे, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रखना है। और जब ये घी में जाएंगे तो अपने आप अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे फूल करके। तो देखिए इस तरह का हमें शेप देना है और इतना ही मोटा भी रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह से सारे आटे में हम लोग कट लगा लेंगे। तो बाकी आटे में भी मैं कट लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे पारे मैंने कट करके तैयार कर लिए हैं। और पहले से गैस पे मैंने ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, लो फ्लेम पे रखा था मैंने, ये मीडियम गर्म है। ध्यान रहे ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, एकदम लो मीडियम तेल में हमें डालना है इसे, और गैस को भी लो पर ही रखना है। तो एक बार में जितना आ पाए कढ़ाई में उतना पारे हम लोग डाल देंगे, और लो फ्लेम पे इसे हम लोग जब तक ये ऊपर ना आ जाए तेल में तब तक फ्राई करेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद हम लोग देखेंगे, 2-3 मिनट बाद, कि ये जो हमारे पारे हैं फूल के ऊपर आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और ये बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं और साइज़ में डबल हो गए हैं फूल के। तो अब हम लोग गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि लो मीडियम कर देंगे, और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, और लास्ट में गैस को हाई करके इसे हम लोग निकालेंगे। तो अभी इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम लोग फ्राई होने देते हैं, और हल्के से बीच बीच में चलाते रहेंगे हम लोग छन्ने से, ताकि एक बराबर हर जगह ये फ्राई हो। और आप लोग देख सकते हैं कि हल्का हल्का ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी 5 मिनट और लगेगा इसे फ्राई होने में। तो इस तरह से चलाते हम लोग फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एकदम बढ़िया कलर आ गया है, एकदम गोल्डन हो गया है, और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं हमारे पारे। तो अब हम लोग इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लिया मैंने, और इसी तरह से बाकी जो बचे हुए पारे हैं उन्हें भी हम लोग फ्राई कर लेंगे।
तो इसे भी डाल देती हूँ और लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा दूसरा बैच भी रेडी है। कितने अच्छे एकदम क्रिस्पी खस्ता दिख रहे हैं हमारे पारे। तो मैंने सारे पारे को निकाल लिया है फ्राई करके और वापस से वही कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है साफ़ करके। और यहाँ पे लिया है मैंने गुड़। तो ये 150 ग्राम गुड़ है, 200 ग्राम मैदा के लिए मैंने 150 ग्राम गुड़ लिया और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। और पानी के साथ लो फ्लेम पे गुड़ को पहले मेल्ट होने देंगे और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा, इसमें उबाल आने लगेगा, तो हम लोग गैस को मीडियम कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अच्छा सा उबाल आ रहा है। तो अब हम लोग मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे कम से कम 5-7 मिनट तक, जब तक कि हमारी चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। और ये देखिए, इस तरह ऊपर से हम लोग उठा के छन्ने पे गिराएंगे तो ये एक तार जैसा बनना चाहिए, तब हम समझेंगे कि हमारा गुड़ का पाक तैयार हो गया है। और एक और पहचान है इसे चेक करने का, ऊपर देखिए एकदम शाइनी दिखने लगेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना शाइनी दिख रहा है ऊपर से ये, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पाक तैयार हो गया है। और ये देखिए, ऊपर से गिराने पे जो लास्ट ड्रॉप है वो लंबा खींच रहा है, यानी तार जैसा बन रहा है। तो ये हमारा पाक जो है ये तैयार है। तो एक बार अच्छे से चला लेंगे हम लोग और चलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, ये ड्रॉप जो है हमारा तार बन रहा है इस ड्रॉप में। तो अब ये हमारा पाक तैयार है। तो इसमें हम लोग जो फ्राई किए हुए पारे थे उन्हें डाल देंगे और डाल के हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से, और तब तक मिलाते रहेंगे जब तक कि ये हमारा गुड़ जो है एकदम सॉलिड ना हो जाए, ये जो पाक है एकदम। तो तब तक हम लोग चलाते रहेंगे, चलाना बंद नहीं करना है, क्योंकि चलाना बंद कर लेंगे तो एक दूसरे में पारे हमारे चिपक जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 5 से 7 मिनट मैंने लगातार चलाया था और ये गुड़ जो है हमारा एकदम ड्राई हो गया है और इसके ऊपर अच्छी सी लेयर आ गई है। तो ये लीजिए, हमारे सुपर टेस्टी गुड़ पारे तैयार हैं। मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम खास्ता गुड़ पारे बने हैं। और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है। तो घर पे एकदम आसान तरीके से स्वादिष्ट गुड़ पारे आप भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से एक बार गुड़ पारे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा खास्ता भी बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, ये देखिए। तो आप भी ज़रूर इस गुड़ पारे को बनाइए और आई होप मेरे गुड़ पारे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।